राजस्थान के अंता में शादी में फेरे डलवाकर अपने घर लौट रहे बुजुर्ग पंडित राधेश्याम शर्मा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक पंडित पर लकड़ी से वार करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एसपी राजकुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और घटना की नए सिरे से जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और दो अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और जल्द ही संदिग्ध लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। मेरे पिताजी लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति के यहाँ वासपुरा में फेरे पाड़ने गए हुए थे। तब वह 12:15 पे फेरे पाड़ के आ रहे थे तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में वह घटना कैद हो गई। और जब बड़े भैया ने पिताजी को कॉल किया 12:15 पे, तो वहाँ पे पुलिस की गश्त की गाड़ी आई हुई थी, तो उन्होंने कॉल उठाया और बोला कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तब हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। घटनाक्रम पहले संदेह में नहीं था, घर के लोगों ने भी ये समझते हुए कि दुर्घटना के कारण ये इनको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है और सब अपना अंतिम संस्कार वगैरह कर दिए, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा वगैरह को देखने के बाद ये चीज़ सामने आई कि पंडित जी एक शादी करवा करके आ रहे थे और दूसरी तरफ से भी दो लड़के युवा ने मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने एक लाठी की चोट मार करके इनको गिराया, तो उससे इनको जो है वो उनकी उपचाराधीन रहते हुए मृत्यु हुई। तो देख रहे हैं, मुकदमा दर्ज कल ही हुआ है। घटना जो है वो 22 तारीख की रात्रि की थी और उपचार चला कुछ दिन तक जयपुर में इनका। 28 तारीख को ये दिवंगत हुए और उसके बाद मुकदमा कल दर्ज। संदिग्ध लोगों को लिया गया सर? संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं कहीं कोई किसी किस्म का अगर मतभेद रहा हो, कहीं पंडित जी ने किसी को कोई चीज़ कही हो जिसने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। और सभी तरीके बरेली में दिनांक 11/5/2023 को द्वितीय चरण में निकाय चुनाव 2023 होना प्रस्तावित है, जिसको सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पूर्व में ही कार्य योजना तैयार कर ली जाए एवं चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। जनपद प्रयागराज की घटना के दृष्टिगत पुलिस गश्त अधिसूचना इकाइयों को सतर्कता बढ़ा दी जाए। अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय बॉर्डर पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी चेकिंग प्रारंभ कर दी जाए। इन सभी बैरियरों पर संचार माध्यमों की व्यवस्था भी कर ली जाए। मतदान त्योहार के दिन डायल 112 के वाहनों का रूट चार्ज एवं उनकी ड्यूटी के स्थान को चिन्हित कर लिया जाए। बरेली से भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के प्रचार के लिए आए बड़ी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आईएमए हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उससे हर आम आदमी को सुख प्राप्त होगा। पिछली सरकारों ने प्रदेश को देश को खोखला किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर आप लोगों को डॉक्टर उमेश गौतम को मेयर पद पर जीत हासिल करवा कर बरेली को स्मार्ट सिटी बनाकर विकास का रास्ता चुनना है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर आईएस तोमर के साथ एक मजाक किया है, एक प्रत्याशी को सिंबल दिया है तो दूसरे को निर्दलीय ग्रुप में खड़ा कर दिया। आखिर वे क्या बरेली की जनता को दिखाना चाहते हैं? हमने मेयर उमेश गौतम के पिछले कार्यकाल को देखते हुए उन्हें दोबारा मेयर बनाने का जो निर्णय लिया है उससे बरेली का विकास होगा। वहां हर गली में हर मोहल्ले में रामलीला खेली जा रही थी, प्रभु राम की लीला का मंचन हो रहा था। सत्य अटल जी ने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि भाई आप तो मुस्लिम हो, रामलीला है कैसे हो रही है? तो उन लोगों ने जवाब दिया, हमने धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारे पूर्वज प्रभु राम है, हमारे संस्कार भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं। और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमसे छुपा नहीं है, हमारे संस्कारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमेशा असफल प्रयास किए जा रहे हैं। हमें लगता है जैसा कि तुलसीदास जी ने कई बार उद्धृत किया है, मत गई मूल की बारी है,
लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाए रखा है। 5000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक हजारों बार हमारी संस्कृति पर हमले हुए। बरेली में योगी और मोदी जी के निर्देश पर आदरणीय डॉक्टर उमेश गौतम जी, तो हम आपके पास इसी निवेदन को लेकर आए कि आप जो बदलाव हो रहा है तो बदलाव सही रूप में बरेली प्रदर्शित करें और हमारी पहचान अलग बने। और आज यहाँ इसी बात को लेकर हम सब लोग आए हैं कि डॉक्टर उमेश गौतम जिस प्रकार से काम कर चुके हैं, इस बात की जरूरत है मुझे एक बार फिर से मौका दिया। मित्रों, कोई बहुत अधिक कहने में आपके बीच में खड़ा नहीं, आपका प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता है और इसको मैं और मजबूती प्रदान करने का काम आप करें, इसलिए हम आपके बीच में आए। तो मैं इस निवेदन के साथ केवल चंद दिन बीच में शेष, 11 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, नई सोच के साथ बरेली को आगे बढ़ाने का काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली प्रेम नगर की बीडीए कॉलोनी निवासी इंटर दयाल सिंह के घर में शुक्रवार की रात को बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाकर नशीला पदार्थ दे दिया और सामान लूट लिया। सुबह को जब राजेंद्र घर से टहलने के लिए निकले तब घर का दरवाजा खुला देखा। शंका होने पर वे छत पर गए तो देखा कि उनकी पत्नी का कमरा बाहर से बंद था। कमरा खोलकर जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी और बेटा बंधे पड़े हैं और बेहोशी हालत में हैं। तब उन्होंने अपने भतीजे को फोन किया और पुलिस को सूचना दी। कितने रुपए और जेवर चोरी हुए हैं इसकी जानकारी नहीं लग सकी है। कुछ अनैतिक कार्य वहां पर हो रहे हैं जैसे कि नशा करना, शराब पीना, ये सब चीजें। मैंने तुरंत वहीं से अपने थानाध्यक्ष को फोन किया था प्रेमनगर थाने में कि आप तुरंत यहां पर आप अपनी जो है वो निगरानी कराइए, यहां पेट्रोलिंग बढ़ाइए यहां पर, और यहां कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करिए जो कि शाम को ये सब चीजें ना हो। उसके बावजूद इतनी 4-5 दिन के बाद ही इतनी बड़ी घटना हो जाना, यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। मैं यहां नहीं रहता हूं, मैं पवन विहार में रहता हूं। मेरे को सुबह 6 बजे जब फोन किया गया, ये ऊपर लेटते हैं, ये लोग नीचे सोते हैं। जब ऊपर से उठ के आए थे नीचे को तो इन्होंने देखा है कि गेट खुले हुए पड़े हैं, तो अंदर आके देखा तो वो बंधक बने हुए पड़े थे। ये हमारे मौसा जी हैं। मौसा जी के अकेले रहते हैं? हाँ, ये सब, ये और इनकी मिसिज और एक भैया हैं, वो रहते हैं। मौसा जी ने बताया क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आके देखो और ये बंधक बनी हुई पड़ी है। बुलंदशहर प्रचार के दौरान खुलेआम उड़ाई जा रही धारा 144 व आचार संहिता की धज्जियां। सभा के दौरान जुलूस में बसपा की टोपी गमछा पहने समर्थकों की उमड़ी भीड़ ना लगाएं, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम गोली मारो, आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी के नारे जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता वाले समर्थकों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गुना मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरपंच प्रतिनिधि की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मामला ये है कि सोनटी गांव के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण यादव के साथ सुकेट के गुर्जरों द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद जिला अस्पताल में लक्ष्मी नारायण यादव ने दम तोड़ दिया। यादव एवं गुर्जरों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। अब यादव के लोगों ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। गुना एसपी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में झालावाड़ में चित्तौड़ी से 108 एम्बुलेंस को डिलीवरी का कॉल आया। 108 स्टॉप तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंचे एवं वहां पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में गुड्डीबाई वाइफ ऑफ रामदयाल जाति खातोड़िया, उम्र 30 वर्ष, को बहुत तेज प्रसव पीड़ा हुई, तो पायलट बनवारी लाल मीणा ने गाड़ी को बलदेवपुरा के पास रोड पर साइड में खड़ी की और ईएमटी नर्सिंग स्टाफ अमृत लाल लोधा ने सुरक्षित प्रसव करवाया, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। फिर जच्चा व बच्चा को सीएससी मनोहर थाने में भर्ती करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सोरो में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव 2023 को लेकर सोरो नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर महेरे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला, वहीं सपा को डूबता हुआ जहाज बताया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज हेलीकॉप्टर कासगंज पुलिस लाइन उतरा, जहां वाई कार द्वारा सोरो के पर्यटन केंद्र पर पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, बाद में भगवान बराह को नमन करते हुए
चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा सरकार में सड़कें कैसी थी, अब कैसी हैं। 56 इंच के सीने वाला नेता रामलाल का मंदिर बना रहा है, गरीबों को पक्के आवास बनवा रहा है, जिनके घर में अंधेरा था उन्हें फ्री में बिजली दे रहे हैं, कोविड समय में फ्री में वैक्सीन दी। बाद में उन्होंने कहा, हमारे लिए सोरो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज है। उन्होंने सोरो वासियों को अस्तित्व करते हुए कहा कि सोरो के लिए खजाने की कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रामेश्वर महेरे को जिताया तो निश्चित ही 13 मई के बाद भगवान बराह के दर्शन करने जरूर आऊंगा। महेरे जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिल रहा है, पूरे कासगंज हो, एटा हो, अलीगढ़ हो, ब्रज हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे काशी हो, चाहे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चारों तरफ एक ही आंधी है कमल के फूल की। और सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2014 में ही, लेकिन पंचर साइकिल को 2022 तक चलाए, 2023 का टायर ट्यूब खोलना चाहते हैं। अब सपा वाले चाहें तो बचा ले, चले जाए मैदान से, और अगर रहना चाहेंगे सपा हो बसपा में, सबके बारे में कह रहा हूँ, इसलिए सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको डबल इंजन सरकार के माध्यम से अगर जनता जिता करके भेजेगी तो विकास के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं रहने देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।